बजट के बाद बाजार में भारी उथल पुथल। दिन के उच्चतम स्तर से 1300 अंक नीचे गिरा। औंधे मुंह गिरने के बाद बाजार में वी शेप रिकवरी। सेंसेक्स 748 अंक, निफ्टी 237 अंक ऊपर बंद हुआ। अब ये बाजार का रिएक्शन क्या कह रहा है, क्योंकि आज पूरे दिन बाजार भी उहापोह में दिखाई दिया। मतलब कोई क्लियर कट एक अजम्पशन बाजार ले रहा हो ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया। उस पर हम जाएंगे, लेकिन पहले पोद्दार जी से इसका नजरिया ले लूं। पोद्दार जी, अभी आप इस पर मुस्कुरा रहे थे और नेगेशन में सिर भी हिला रहे थे। डिसइन्वेस्टमेंट पर आपकी राय जल्दी से चाहता हूं। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में राय बिल्कुल क्लियर है कि इस सरकार की नीति नहीं है, ये काफ़ी पहले से चली आ रही है। अशोका होटल को डिसइन्वेस्टमेंट किसने किया, वहाँ से जब चलता चल रही है, लोग करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे। एयर इंडिया में 2000 करोड़ का हर महीने नुकसान, 20,000 करोड़ का हो रहा था, और यदि आज उससे हमें मुक्ति मिली है तो जनता के पैसे को नुकसान में गड्ढे में डाल रहे थे, उससे हमें मुक्ति मिली है। और मिसयूज जो सरकारों के द्वारा मिसयूज किया जा रहा था, या लापरवाही बरती जा रही थी, उससे हमें मुक्ति मिली है। लॉजिकल बात कह रहे हैं, ये मैंने अलका जी से पूछा भी था, लेकिन सर इसके लिए लक्ष्मण रेखा कहाँ पर खींची जाएगी सर? क्योंकि अगर ये है कि सरकारी रवैया और नजरिया एक्चुअली लॉस मेकिंग की तरफ जाता है, तो सरकार अपने इर्द गिर्द ये लक्ष्मण रेखा कितने करीब या कितनी दूर खींचेगी? धीरे 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 कहां तक जाने देगी प्राइवेटाइज माइंडसेट को, प्राइवेट माइंडसेट को? जी देखिए, बहुत जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन गवर्नमेंट इस सरकार आता हूं, अभी आपकी आवाज नहीं ले पा रहा हूं। नीति बिल्कुल स्पष्ट है और जो बोलती है वो करती है कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। बहुत स्पष्ट है नीति, बहुत स्पष्ट है। जो पब्लिक के पैसे घाटे में जा रहे हैं और नया कुछ नहीं हो रहा है, कोई स्ट्रेटेजिक सेक्टर भी नहीं है, वहाँ पे हम प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करेंगे। डिफेंस में 51% जो हमारा अभी स्वदेशी है, वहाँ हम 68% की इस बजट में प्रस्ताव दिया गया है, और वो इसलिए कि उससे रोजगार भी बढ़ेंगे प्लस आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने हर चीज के ऊपर सरकार पे बोझ डालना और सरकार के कर के द्वारा पैसे वसूल करके उनको फिजूल खर्चे करना, ये इस सरकार की नीति नहीं है, ना ही करेगी। ठीक है, हमारे साथ अब अंशुमान जी भी जुड़ रहे हैं, मनी नाइन के एडिटर हैं। अंशुमान जी, अब तो वक्त हो गया, बहुत सारी चीजें सिंक इन हो गई होंगी और बहुत क्लियर कट अब आप बता सकते हैं कि इस बजट को लेकर धारणा क्या बनाई जाए। ये लोगों के लिए एक बैलेंस बजट है, ये फ्यूचरिस्टिक है, ये पॉपुलिस्ट है, ये रिफॉर्मिस्ट है, ये किस तरह का बजट है? दिनेश जी, पॉपुलिस्ट वाला हिस्सा तो खत्म हो गया। वित्त मंत्री ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आप ये शुक्र मानिए कि हमने नया टैक्स नहीं लगाया है, तो वो बात तो स्पष्ट हो गई। आमतौर पर कुछ बजट ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए, जैसा जो इस बजट से पहले से कहा जा रहा था। ये वर्क इन प्रोग्रेस बजट है, ये स्कीमों के टॉपअप का बजट है। सरकार ने अपनी वर्तमान स्कीमें जारी रखी हैं, उनके कुछ टॉपअप लगा दिए हैं, उनके ऊपर कुछ पे छोटे रिचार्ज कर दिए हैं कुछ स्कीमों के ऊपर। जनरली इस बजट के अंदर कुछ बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं जिनको कवर करने की कोशिश की गई है सरकार के फिस्कल स्पेस में, और इसलिए कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया गया इस बजट के अंदर जिसे आप उसमें भी आप दे दीजिए अंशुमान जी। ये है कि जो एक प्रोसेस तो आपने ये कहा कि एक तरीके से टॉप अप बजट है, स्कीम वर्क इन प्रोग्रेस बजट है, तो अब ये भी बता दीजिए ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये जो उहापो है, इसमें क्लैरिटी आ गई क्या? बिल्कुल, इसमें अब क्लैरिटी आ चुकी है और ये बात स्पष्टता के साथ है। पहली चीज तो समझना जरूरी कि बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज कर रहे हैं दिनेश, कि आरबीआई की जो डिजिटल करेंसी है उसका कोई क्रिप्टो करेंसी से रिश्ता है। बहुत ही स्पष्ट मानिए कि करेंसी जारी करना सेंट्रल बैंक का काम है, जो वो सरकार के बिहाफ पे जारी करती है। करेंसी एक किस्म का डेट है, एक कर्ज है जो सरकार अपने सेंट्रल बैंक के जरिए लेती है। उसका डिजिटल वर्जन आए या फिजिकल वर्जन हो, उसका कोई मतलब इस कानून से नहीं है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सरकार अगर आरबीआई कोई डिजिटल करेंसी लाएगा तो वो डिजिटल रूपी होगा, जिसकी तैयारी जैसे डिजिटल युआन की तैयारी चल रही है, डिजिटल डॉलर की तैयारी चल रही है। उसमें क्या होगा, वो कैसे काम करेगा, इसके ऊपर पूरी दुनिया में मंथन चल रहा है। आईएमएफ ने एक लंबा पेपर दिया है दुनिया भर के बैंकों को कि वो डिसाइड करें कि उनकी डिजिटल करेंसी काम कैसे करेगी। वो एक लंबा चर्चा है जिस पर हम बात कर चुके। वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी का शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की क्या स्टेटस होगी, इसे डिजिटल एसेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये सब बाद में उस कानून से तय होगा जिस कानून का प्रारूप अभी तैयार है। लेकिन
सरकार को एक मौका मिला है, लेकिन कांग्रेस ने ये ट्वीट करके कहा है कि आपने 30% टैक्स की व्यवस्था करके क्या उन क्रिप्टो करेंसी को लेजिटिमाइज कर दिया, एक तरीके से आपने इसको लेजिटिमेट कर दिया क्या? तो आप भले ही कहें नहीं और उसको बिल पर आगे टाल दें, लेकिन एक तरीके से ये लेजिटिमेट हो गया क्या अंशुमान जी? लेकिन ये वित्त मंत्री से स्पष्ट रूप से सवाल पूछा गया था, वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस क्या होगा और डिजिटल एसेट्स कौन सी मानी जाएंगी, इस पर वो कानून आएगा तब बात होगी। तो अभी फिलहाल जाकी रही भावना जैसी समझा जाए क्या इसको? अलका जी का देखिए इसमें क्या कहना है, अलका जी कुछ कहना चाह रही है? अलका जी हाँ बिल्कुल जाकी रही भावना जैसी, ठीक है अंशुमान जी आता हूँ मैं, आता हूँ अलका जी क्या कह रही है सुन ले आता हूँ। डिजिट कैसे ये देश चल रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा, तानाशाह तरीकों से, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए थी, कानून आता, आरबीआई गवर्नर इसके ऊपर प्रेस करके सबको सूचित करता, संसद को भी देश को भी, लेकिन होता यह कि वित्त मंत्री अपने बजटीय भाषण में डिजिटल करेंसी का जिक्र करती है और टैक्स भी लेने की बात कर देती है और इस पे जबकि कानून आएगा, चर्चा होगी, आरबीआई को भी नहीं पता, मुझे लगता है आरबीआई भी हिल गया होगा कि वित्त मंत्री ने घोषणा भी कर दी जबकि वो कानूनी नहीं है और जानकारी नहीं है। अब एक और बात, ये कहना ना घाटे में चल रही है, कब तक बोझ सहेंगे इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्हें बताइएगा 2014 में कांग्रेस की सरकार थी तो घाटा देश की सरकार पर 53 करोड़ जो है लाख करोड़ था, आज कितना घाटे में 2022 में केंद्र की सरकार 1,36,000 करोड़ के घाटे में। अब आप सरकार का भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दीजिए, दे दीजिए अदानी अंबानी पूंजीपति मित्रों के हाथ में कि आपकी जो संपत्तियां हैं वो तो घाटे में है, वो आप ले रहे हैं, सरकार भी आप ही चला लीजिए, क्योंकि घाटा जो है वो 53 लाख करोड़ से 136 लाख करोड़ पहुंच चुका है, ये भी कर देंगे वो दिन दूर नहीं है। अलका जी लेकिन ये हमेशा ही एक आरोप, ये एक ऐसी बात है जो हर समय के आरोप सरकार पर लगा है कि कॉरपोरेट्स की तरफ ज्यादा ध्यान रहा है, कांग्रेस की सरकारों पर भी लगता रहा है, आज की सरकार पर भी लग रहा है, ये क्या सरकार किसकी है, इससे निरपेक्ष बातें हैं क्या ये? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता, कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।